नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 26 सितंबर से शुरू हो रही है नवरात्रि। नौमी 4 अक्टूबर की है और दशहरा 5 अक्टूबर का। मतलब यूं आप समझे कि 26 से 4 तारीख तक नवरात्रि रहने वाली है। लोग अपने घर में अलग अलग तरीके से माता रानी की पूजा करेंगे, माता रानी की स्थापना करेंगे, माता रानी का तप करेंगे। कुछ लोग बहुत ही साधारण ढंग से माता रानी की पूजा करते हैं, जैसे सुबह नहा धोकर के दिया बत्ती लगाना, माता रानी की पूजा करना, दोनों समय दिया बत्ती लगाना। कुछ लोग मंत्र जाप सिद्ध करते हैं, कुछ लोग 9 दिन चालीसा का पाठ करते हैं। मतलब हर घर में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। इस बार ये बहुत अच्छी बात है कि कलश स्थापना पूरे दिन की रहेगी। पूरा दिन, सोमवार का ये जो पूरा दिन है, एकदम शुभ रहेगा, बहुत ही पवित्र है 9 दिन। कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादा नियम नहीं पाल पाते हैं, वो अलग अलग टाइप के नियम पालते हैं। जैसे 9 दिन जूते नहीं पहनना, चप्पल का त्याग कर देना, अमुक चीज की बाधा यदि आप रखते हैं कि मेरा ये काम यदि होता है या फिर मैं 9 दिन जूते या चप्पल नहीं हम पहनेंगे, हमारा ये काम होना चाहिए, तो वो काम भी बहुत जल्दी होता है। यदि 9 दिन आप चाहें तो अमुक फल का त्याग कर सकते हैं, ये वाला फल या ये वाली सब्जी 9 दिन हम ग्रहण नहीं करेंगे। वैसे जो लोग व्रत उपवास रख रहे हैं उन्हें 9 दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, चमड़े की कोई चीज धारण नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में यूं भी हर व्यक्ति को वैसे तो ये जो छोटे मोटे नियम है इनका पालन तो करना ही चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसी क्रिया है कि यदि इसको आपने 9 दिन कर लिया तो आपकी मन चाही इच्छा पूरी होती है। जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, अड़चने आ रही है, आप 9 दिन पानी पीने से पहले ये शब्द बोले जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी पानी पीते हैं 9 दिनों तक ये शब्द बोल करके पानी पिए, शादी के योग बनेंगे। नौकरी यदि नहीं लग रही है, आप बेरोजगार हैं, आप नियम ले पहले दिन से 9 दिन कि ये शब्द बोले बिना हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। आप देखेंगे नौकरी के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो भी आप इसके उपाय कर सकते हैं। घर में यदि धन नहीं है, पैसे आते हैं और टिकते नहीं है, ऐसी कोई भी समस्या है, आपको शनि परेशान कर रहे हैं, राहु परेशान कर रहे हैं, आप ये 9 दिन इस नियम का पालन कर लें। कोई भी कैसा भी क्रूर ग्रह होगा वो शांत होगा और आपके तमाम रुके हुए काम फटाफट होने शुरू होंगे। आप जब भी पानी पीते हैं, दिन है रात है, चाहे आपने व्रत उपवास रखा हो ना रखा हो, घर में स्थापना की हो ना की हो, हर हाल में आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। 9 दिन जब भी आप पानी पिए, जब भी आप पानी का ग्लास लेते हैं, आपको बोलना है ओम श्रीम शक्ते नमः, ओम श्रीम शक्ते नमः। इस शब्द को, इस मंत्र को बोल करके ही आप पानी पिए। ये पानी अभिमंत्रित हो जाता है और 9 दिन का ये एक छोटा सा अनुष्ठान है जो पूरा होता है। और जिस उद्देश्य से आप ये नियम लेंगे वो काम आपका होगा। करके देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर, दोस्तों उसे फॉलो ना करें, किसी भी नंबर का कांटेक्ट ना करें, ये तमाम फ्रॉड लोग हैं, इनसे बच करके रहें। जय श्री कृष्ण।